हेलो फ्रेंड्स, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाले स्वादिष्ट और टेस्टी लड्डू। इसे बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगता है, तो अगर आपका मीठा खाने को मन हो और आपके पास समय बहुत कम हो तो आप ये लड्डू बना करके खा सकते हैं। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम भुने हुए चने का आटा लिया है। इस आटे को सत्तू का आटा भी कहते हैं और यह आटा बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। 250 ग्राम शक्कर का बूरा लिया है। अगर आपके पास शक्कर का बूरा नहीं है तो आप यहाँ पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 200 ग्राम देसी घी लिया है। थोड़े से दरदरे कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच पिस्ते। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को छान लेते हैं। ये देखिए आटे को हमने छान लिया है। अब हम बूरे को भी छान लेंगे। ये देखिए बूरा भी हमने छान लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, पिस्ता, बादाम। काजू आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ पर अधिकतर चीजों में इलायची खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर इलायची नहीं डाल रही हूँ। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में हम इसमें घी डालेंगे। तो अभी मैंने आधा घी डाला है, आधा अभी हमने रखा हुआ है। मिक्स कर देंगे इसे और अब हम बाकी बचा हुआ घी भी डाल देंगे और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन लड्डुओं को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ये भुने हुए चने का आटा होता है, तो ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाते हैं। इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। लड्डू में मोन हमें इतना डालना है कि जब हम इसे बाइंड करें तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। जब हम लड्डू बनाएं तो इसके लड्डू बहुत आसानी से बन जाए। ये देखिए लड्डू बहुत आसानी से बन रहे हैं। तो जो हमने इसमें घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में डाला है। लड्डू बना करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। लड्डू का शेप आप अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं, छोटा या बड़ा आपको जैसा भी रखना हो आप रख सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम लड्डुओं की गार्निश करेंगे। तो मैं यहाँ पर गार्निश के लिए चांदी का वरक ले रही हूँ। अगर आपके पास चांदी का वरक नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट से लेकर के और उसे लड्डू की गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे लड्डुओं पर चांदी का वरक लगा दिया है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं और इसको बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।